हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू देसी इंडियन राइडर्स। आज की हमारी ट्रिप एक सोलो और एक स्मॉल ट्रिप है। टोटल 290 किलोमीटर्स की राइड है बिकॉज आई एम विजिटिंग द ग्लोबल विपासना पगोडा दैट्स इन गोराई बोरेवली। तो फटाफट मोटरसाइकिल पे बैठते हैं और बाकी बातें मोटर ब्लॉग पे करते हैं, पर उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और ये वीडियो एंड तक देखिएगा। तो अभी 8:10 हुए हैं और मैंने ब्लॉग वहीं से स्टार्ट किया जहाँ मैं और मंदार हमेशा मिलते हैं एट द विलेपार्ला जंक्शन ऑपोजिट छत्रपति शिवाजी महाराज स्टैचू, और वहीं से स्टार्ट किया। और अभी 8:10 हो रहा है और यहाँ से तकरीबन आज का जो डेस्टिनेशन है 40 किलोमीटर है क्योंकि दिस स्पॉट इन विलेपार्ले मेरे घर से 5-7 किलोमीटर है और यहाँ से मेरे को दिखा रहा है 1:07 बिकॉज आई एम गोना बी ट्रैवलिंग द एंटायर जर्नी बाय रोड। अभी दो रास्ते हैं पर ये फटाफट मैं आगे निकलता हूँ सिटी में और आपको बताता हूँ कि दो अलग कैसे कौन से ऑप्शन है जिससे आप ट्रैवल कर सकते हो, तो बने रहिए एंड तक। तो अगर आप मुंबई में टाउन से या सबर्ब से आ रहे हो और आप वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से ट्रैवल कर रहे हो तो ठाकुर कॉम्प्लेक्स जो कांदिवली में है उसके बाद का फ्लाईओवर आपको नहीं लेना है। ये जो मार्क थाने का फ्लाईओवर है ये नहीं लेना है, आपको नीचे से जाना है ओनली इफ़ यू आर ट्रैवलिंग बाई टू व्हीलर ताकि आप फेरी ले सके। पर मैं जाते वक्त बाय रोड ही जाऊँगा बिकॉज आई एम नॉट गोना गेट मच ट्रैफिक। आते टाइम देखते हैं कि गूगल मैप्स क्या है, यहाँ से नीचे जाके आपको फिर गोराई से फेरी लेनी है। तो तकरीबन 10 से 11 किलोमीटर कम हो जाता है, बस यही बताना था। अगर ये आप यू आर कमिंग फ्रॉम टाउन एंड यू आर टू व्हीलर और अगर आप रिक्शा टैक्सी से आ रहे हो एंड यू कैन गो टू गोराई, बट इफ़ यू आर कमिंग बाय कार बाय रोड इज़ द ओनली ऑप्शन फॉर यू बिकॉज अनटिल माई लास्ट इन्फॉर्मेशन कार्स के लिए कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं है फेरी की तरफ से। अब आप जब चेकनाका से आते हो तो आपको ये पहला लेफ्ट आएगा जो एक डेल्टा वाला लेफ्ट बोलते हैं, ये दोनों हाथ जो जॉइंट है अशोक शीतल चौक, ये भी रास्ता आपको मीरा भाईंदर पे लेके जाएगा बट आई वुडंट रिकमेंड बिकॉज काफ़ी सारे स्पीड ब्रेकर है, मैं बीच में आया था इस तरफ, तो आई वुड रिकमेंड रादर टेक दिस फ्रॉम बिलो द हाईवे बिलो द फ्लाईओवर, ये लो आप और सीधा सीधा चलना है आपको अगले सिग्नल तक। बहुत फेमस शिवाजी महाराज का स्टैचू है, छत्रपति शिवाजी महाराज जी का स्टैचू है, वहाँ से आपको लेफ्ट लेना है विच विल कनेक्ट यू टू मीरा भाईंदर हाईवे। यही है वो फेमस स्टैचू छत्रपति शिवाजी महाराज जी का, यहाँ से लेफ्ट ले लीजिए। ये आप अभी मीरा भाईंदर हाईवे पे पहुँच गए हैं, इट मीन्स इट्स स्टार्टेड और यहाँ से लगभग 40 मिनट्स दिखा रहा है एंड इट्स 20 किलोमीटर्स। मीरा भाईंदर हाईवे पे तकरीबन 3 से 5 किलोमीटर अंदर आने के बाद एक्चुअली अब ये सर्कल दिख रहा है, ये काम चल रही है, गोल्डन नेस्ट का सर्कल है। अगर आप सीधा चले जाएंगे तो भाईंदर स्टेशन पहुँच जाएंगे, आपको यहाँ से लेफ्ट लेना है और ये ब्रिज चढ़ जाना है जो आगे है, ये वाला ब्रिज चढ़ जाना है, मतलब मैक्सेस मॉल वाला ब्रिज भी बोल सकते हो आप इसको, इसको रिमेंबर। अब यहाँ से सीधा हम लोग आगे अंदर चलते हैं और मैं फिर अंदर आपसे बात करता हूँ, अंदर मतलब जो मेन रास्ता शुरू हो जाएगा वहाँ नियर आर डेस्टिनेशन, क्योंकि यहाँ से अभी और 35 मिनट दिखा रहे हैं 16 किलोमीटर्स। ऐसे ही मस्त दोनों आजू बाजू झाड़ है, मस्त ऐसे छाँव वाले रास्ते से लेके जाएगा आपको अंदर से, मतलब अप्रोक्सीमेटली ये जो 12-14 किलोमीटर का स्ट्रेच होगा ऐसा, अब विच उत्तन भी जाता है ये रास्ता, गोराई भी जाता है, पीसफुल है, काफ़ी पीसफुल। और यहाँ पे वो बहुत सारे ना पुराने मैंने बंगले भी देखे और एक जुडिशियल एकेडमी भी आएगी आगे से। अब ये जंक्शन जो है ये देखो लिखा है, आप राइट मारोगे उत्तन, आपने ऊपर से जाना मनोरी एसएल वर्ल्ड, और ये इधर पुलिस चेक पोस्ट रहता है ज़्यादातर, इन द नाइट द चेकिंग इज स्ट्रिक्ट। तो यही जो रास्ते से हम लोग आए ये एसएल वर्ल्ड भी जाता है और वाटर किंगडम, और ये आ गया ग्लोबल पकौड़ा। यहाँ पे कोई पॉन्ड भी है, पता नहीं क्या है,
वे टू पेगोडा राइट ओके। और वो देखिए, लुक एट दिस मार्वेलस स्ट्रक्चर, ब्यूटिफुल। सो राइट बिहाइंड मी इज द पगोडा। काफी धूप है बाहर, मैं भी फटाफट अंदर जाता हूँ और एक डिटूर लेता हूँ, और आप लोग भी डिटूर लीजिए तब तक। सो जैसे ही मैं अंदर घुसा, मुझे बोला गया भाई ज़्यादा रिकॉर्डिंग मत करना, और मुझे बोला गया ट्राईपॉड वगैरह तो निकालना ही नहीं, इसलिए मैंने माइक भी नहीं कनेक्ट किया है। पता नहीं आवाज़ कैसी आ रही, पर आई ट्राई टू टेक अ डिटूर। उन्होंने बोला कुछ कुछ जगहों पर अलाउड है, तो मैं वहाँ की रिकॉर्डिंग निकालूंगा और आई ट्राई टू पुट द फुटेज इन दिस व्लॉग। तो बने रहिए, हम लोग और भी चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लोर करते हैं। ग्लोबल विपासना पगोड़ा एक मेडिटेशन डोम हॉल है जिसकी कैपेसिटी तकरीबन 8000 विपासना मेडिटेटर्स को अकोमोडेट करती है, और यह दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन हॉल है। यह स्थित है मुंबई नज़दीक गोराई में, और इसका इनॉग्रेशन 8 फरवरी 2009 को किया गया था हमारी प्रेसिडेंट साहिबा मिसेस प्रतिभा पाटिल ने। और सबसे खास बात इस जगह की यह है कि यह भव्य मॉन्यूमेंट पूरी तरह एक डोनेटेड लैंड पे बना हुआ है। The center of the global Vipassana pagoda contains the world's largest stone dome built without any supporting pillars. The height of the dome is approximately 29 meters, while the height of the building is 99.6 meters, which is twice the size of the previously largest hollow stone monument in the world, the Gol Gumbaz Dome in Bijapur, India. This beautiful structure is built on a donated land between the Gorai Creek and the Arabian Sea and serves as a monument of peace and harmony. The Global Vipassana Pagoda has been built out of gratitude to Sayagi Uba Kin, a Vipassana teacher and the first Accountant General of independent Burma. He was instrumental in getting Vipassana back to India, the country of its origin. Planning for the construction of the Global Vipassana Pagoda began in 1997, while actual building work started in 2000. The pagoda consists of three sub-domes. The first and the largest dome was completed in October 2006 when the bone relics of Gautam Buddha were enshrined in the central locking stone of the dome on 29th October 2006, making it the world's largest structure containing the relics of Gautam Buddha. The Global Vipassana Pagoda has a lot of facilities for the meditators, like a Vipassana Meditation Center, Dhammapatna, a museum depicting the historical life of Gautam Buddha, two smaller pagodas on the north and the south side, a few libraries and study rooms for the meditators. Also, there is an administration building and a Vipassana Research Institute office and facility for the Pali study program. The south pagoda contains 108 meditation cells for use by Vipassana students taking a meditation course at the adjoining meditation center. जस्ट लेफ्ट फ्रॉम पगोड़ा निकल गया हूँ। पगोड़ा से अभी पहले ही जाएंगे अपन जहाँ से फेरा मिलती है उस तरफ। लेट मी चेक व्हाट्स द सीन और क्या है, अवेलेबल भी है या नहीं। ऑलरेडी पर्सनल एक्सपीरियंस वाज गुड, बट लॉट ऑफ रिस्ट्रिक्शंस। चलो उसी बार ये जगह भी विजिट किया, पता चला कि 10 दिन का मेडिटेशन भी होता है, 10 मिनट का भी होता है विजिटर्स लोग के लिए। वाह दैट्स गुड। ओके लकीली मेरे को जेटी अवेलेबल मिल गई है। 25 रुपीज इज द टिकट, दे सेड इट इंक्लूड्स द पैसेंजर एंड द व्हीकल बोथ। नाउ लेट्स सी इफ दे आस्क एनीथिंग। आई थिंक दे वोंट, बिकॉज डायरेक्टली अंदर सटाक करके घुस जाएगी गाड़ी।
So this is the ride that leaves you from one end of the shore to the another. आपके 11 किलोमीटर्स बच जाते हैं और तकरीबन 30-35 मिनट्स और मोर समटाइम्स यू कैन कैलकुलेट. द चार्जेज ओनली 25 रुपीज़ एंड देन 5 रुपीज़ दीज गाइज टेक फॉर गेटिंग दिस बाइक. सो टोटल 30 रुपीज़. नॉट बैड इफ यू सेव अ लॉट ऑफ फ्यूल राइट. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दी एंड. तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा और अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट जरूर कीजिएगा. दैट्स इट फ्रॉम देसी इंडियन राइडर्स टुडे. वी विल बी बैक सून विद अनदर वीडियो. अंटिल देन यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड एज ऑलवेज राइड सेफ.